सब वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रू पॉडफेस्ट। एंड आज गाइस हम लोग का लगा एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट, जिसमें हम लोग को मिले बहुत सारे पैसे। एंड उन पैसों का हम लोग खरीदने वाले एक ब्रांड न्यू कार या फिर बाइक। मेरी ड्रीम बाइक है यार सुपर ड्यूक KTM की, बट यार उससे पहले मेरी थी कावासाकी निंजा S2R, यार वो तो मैंने ऑलरेडी खरीद रखी है पिछले एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। बाकी यार आज हम लोग खरीदने वाले हैं सुपर ड्यूक या फिर लैम्बोर्गिनी टर्बो या फिर कोई अच्छी सी कार यार, देखेंगे छाटेंगे जो अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे। बाकी यार आप कमेंट में बता सकते हो कौन सी खरीदने वाले या उन पैसों का कुछ और करे भाई, लेट्स सी क्या होता है। बट वेट आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, एंड नए हो तो सब्सक्राइब भी ठोको अभी के अभी भाई, लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, मैं नहीं जानता। बाकी भाई चलते हैं वीडियो की ओर। Alright guys, यार स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए सुहाने से दिन में। एंड मैं हूँ अपनी यहाँ पे कावासाकी निंजा H2 में जंगलों के बीच में, क्योंकि यार मेरी गाड़ी इतना ज्यादा आवाज करती है ना, इतना ज्यादा कि मैं शहर के बीच में अपना साउंड टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यार मैंने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है एंड अब इस गाड़ी की साउंड 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनो। गाड़ी में इतना ज्यादा पावर है ना, इवन आप मेरा आवाज भी नहीं सुन पा रहे हो, मुझे बता यार। खैर गाड़ी को रोकते हैं भाई, गाड़ी का टायर गंदा हो गया उल्टा, बट खैर कोई बात नहीं यार। बेसिकली मैं अपने यहाँ पे अंकल के आया हुआ था, क्योंकि यार अंकल मुझे बता रहे थे कि आस पास के एक शहर में मिलने वाली है एक लैम्बोर्गिनी या फिर एक ड्यूक, क्योंकि मेरा प्लान है आज की वीडियो में मैं ड्यूक खरीदूं या फिर एक लैम्बोर्गिनी। तो यार मैंने उनसे पूछा था कि भाई आसपास कोई शहर में मिलेगा क्या, तो उन्होंने बताया कि भाई बगल वाले शहर में मिल सकता है, जाके पता करो। एंड इवन जो मेरा जेम्स दोस्त है ना भाई, हाँ वही वाला जिसकी बुगाटी हम लोग पिछले एपिसोड में चला रहे थे, बुगाटी नहीं आई मीन जेस्को चला रहे थे, बुगाटी के साथ ड्रैग रेस कर रहे थे, तो उस बंदे ने भी बोला हाँ भाई वाले शहर में मिल सकता है तुम्हें। तो यार मैं उसी के लिए जा रहा हूँ आज। एंड फिलहाल मेरे अंकल है क्या, उनको भी ले चलते हैं अगर वो होंगे तो, क्योंकि यार जान पहचान होगा तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, यू नो ये उन्हीं का एरिया है भाई, यहाँ पे वो खेती वेती करते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो दिख रहे हैं, रुको मैं बात करके आता हूँ। ऑलराइट गाइस मैं उनसे बात करके आया एंड वो यहाँ पे नहीं है भाई, वाओ बैड लक, मेरे को पता था यार अंकल बिजी रहते हैं यार। बट खैर आज का मेरा प्लान सुनो भाई, मेरा प्लान ये गाइस कि आज मुझे 2 में से कोई एक गाड़ी खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी रेवल्टो जो अभी लेटेस्ट लैम्बोर्गिनी आई है 2023 की, वो खरीदनी है भाई। वो कौन सी गाड़ी थी भाई, रुको यार देख के आते हैं भाई कौन सी गाड़ी चला रहा है बंदा, भाई बेदम तेज है भाई, कावासाकी से भी ज्यादा। ओ लैम्बोर्गिनी सेंजा चला रहा है। खैर वो तो भाई मैं बहुत चलाया हूँ फोर्ज़ा होराइज़न में, खैर जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हो फोर्ज़ा होराइज़न की सीरीज, वो गाड़ी को मैं 100 से ज्यादा बार चला चुका हूँ। बाय द वे यार आज मेरा प्लान जो मैं बता रहा था वो है यार लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो जो कि मैंने अभी तक नहीं चलाई है, एंड दूसरी है सुपर ड्यूक भाई, वो भी मेरी एक तरीके से ड्रीम कार है, KTM की है एंड बहुत तगड़ी भागती है। वो दोनों में से कोई एक गाड़ी आज खरीदने वाले हैं। एंड जिन जिन लोगों की ड्रीम बाइक है सुपर ड्यूक गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई आप सभी का सपना साकार करने वाला है मेरे साथ, ओके यार सबके साथ होगा क्योंकि मैं भी गेम में चला रहा हूँ एंड मुझे ही मजा आने वाला है, एंड देख के आपको भी डेफिनेटली मजा आने वाला है यार। तो सब्सक्राइब कर लो एंड भगाते हैं गाड़ी को एंड बगल वाले शहर में बातचीत करके आते हैं। वैसे मैं यार लोकेशन मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में रुकते हैं खामखा भाई, रोड जाम नहीं करता मुझे, आ जाओ यार कहाँ पे मिल सकता है, मैं अभी यहाँ पे हूँ राइट। अंकल ने बोला था बगल वाले शहर में नदी किनारे आई मीन समुद्र किनारे देखना, तो आई थिंक यही दुकान होगा, यहाँ पे पता करना पड़ेगा भाई, मैप में तो ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा बट हाँ आई थिंक सो यही वाला एरिया है। ओके सर्फ बोर्ड, हाँ उन्होंने बताया था सर्फ बोर्ड की दुकान है, ओके लेट्स गो भाई यही आते हैं, थोड़ा सा दूर है बट आई थिंक सो वी गोना इजीली गो देयर भाई, अपने पास कावासाकी है ब्रो, भागती है ये यार, लेट्स गो। इवन कोई दिक्कत है तो भाई सामने का चक्का उठा के चलाएंगे भाई, व्हीली करते हुए भाई लेट्स गो भाई, लेकिन नहीं यार अच्छे से चलते हैं, हड्डी पर्सी की दुरानी मुझे जाते जाते, लेकिन नाइट्रो तो यूज करेंगे ना, ओके ओके यार आपको ये फील कराओगे भाई 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 भाई। हालांकि बात वो है कि भाई मेरे पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बाइक है, वन ऑफ दी फास्टेस्ट, क्योंकि इससे ज्यादा फास्टेस्ट बाइक भी है मार्केट में, आई मीन ऑफकोर्स इसको चीट भी करके बहुत सारी गाड़ियां हरा सकती है, मैंने किया है भाई, एक दो बंदे मिले मुझे
जो ऐसी ऐसी गाड़ी लेके आया था जो मेरे H2 को हरा रही थी। बाय द वे स्टॉक है, मैंने इसको अभी तक मॉडिफाई भी नहीं किया है क्योंकि इसके पार्ट्स अभी तक मैंने खरीदे नहीं है जो कि बहुत बहुत ज्यादा महंगे हैं। उसके ऊपर स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो फिलहाल यार ये अंकल की दुकान होगी शायद। ओके, मेरे को जाके बात करना होगा, रुको मैं बात करके आता हूँ। ओके अंकल है ना भाई, गाड़ी 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 नहीं घुसा रहा भाई, बाहर निकालो यार, चलो मैं पूछ के आ जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, यार अंकल से बात करने के बाद पता चला भाई साहब लैम्बोर्गिनी मिलना एक तरीके से नामुमकिन है क्योंकि यार उस गाड़ी का बहुत ज्यादा डिमांड है। सो वो कह रहे हैं ड्यूक तुम्हें मिल जाएगी, शहर जाओ और एक दोस्त है मेरा उससे जाके मिलो। भाई ये लोग कितना घुमाएंगे यार मेरे को यार, लिटरली भाई कावासाकी लीजिए तो ऐसी मिल गई थी, डायरेक्ट खरीद लिया था मैं। और ड्यूक को भी मैं डायरेक्टली खरीद सकता हूँ बट यार वो अंकल की वजह से बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिल सकता है मुझे, वही वाली बात है यार। बट खैर मैं नहीं जाने वाला भाई, कोई मतलब नहीं है जाके ना, मैं कोई अंकल वंकल के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। हम लोग यार सीधा ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं, ऑर्डर करते हैं भाई, सस्ता खरीदने के चक्कर में इंतजार करना पड़ेगा। बाय द वे मेरे पास 3,64,000 रुपए, आई थिंक सो दैट्स इनफ फॉर द KTM। और लैम्बोर्गिनी तो बहुत महंगी होगी भाई, यहाँ से डायरेक्ट खरीद तो मुझे लैम्बोर्गिनी भी मिल सकती है यार। KTM की ये रही बाइक राइड, ओ लैम्बोर्गिनी भी नहीं चाहिए, पहले लैम्बोर्गिनी देखते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास फास्टेस्ट बाइक तो है कावासाकी लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो। ये रही ना भाई रेवेल्टो, ये मुझे खरीदनी है भाई। थोड़ी थोड़ी इसका ऐसे, ये जो देख रहे हो ना ऐसे इस गाड़ी का लाइट जलता है। ओके, ये ऐसा एक शेप में लाइक वाई कह सकते हो, वाई शेप में लाइट जलता है। और KTM मुझे खरीदनी है ये वाली, ठीक है, सुपर ड्यूक RABS। ओके, ये कितना भागती है, ये ज्यादा नहीं भागती होगी, शायद वही होगी, हाँ 200 से ज्यादा भागती है। बिना मॉडिफाई, ये स्टॉक है, मॉडिफाई वगैरह करके शायद 350 दे पाएगी, मॉडिफाई करूंगा तो मैं। बाकी यार इतना ही देती है, 200 से ज्यादा देती है, 250 के आसपास देती है। बाकी लैम्बोर्गिनी कितना देती है भाई रिवेल्टो, ये शायद 300 से ज्यादा होगी शायद। ओ ये गाड़ी देती है 350 से भी ज्यादा स्पीड यार, इसका महंगा भाई 2 मिलियन की कार है भाई, 2 मिलियन। मेरे पास 3,64,000 है। ये ब्लू कॉइन को मत देखो यार, ये मैंने पैसे डाल के डाले हैं तो इससे मैं ये खर्च नहीं करने वाला, इसको मैं जितना हो सके उतना बचाता हूँ। ओके, तो ये वाला कॉइन देखा करो, ठीक है, ये व्हाइट में जो लिखा रहता है, ब्लू वाला भाई जेब से उड़ते हैं, ये जितना लिखा हुआ है ना मतलब 5,000 रुपए डालने पड़ेंगे गेम में ये वाला। और मैंने यहाँ पे 10-15,000 रुपए डाले हैं, वो सबका खर्चा है। बट खैर 2 मिलियन की एक कार है जिसको खरीदना भाई अभी औकात के बाहर है, ठीक है। अब लोग फिलहाल यार ड्यूक देखते हैं। ओके, 3,90,000 की है राइट, 3,90,000 और मेरे पास है 3,64,000। ओके, वी गोना बाय, बट यार थोड़े और पैसे चाहिए, 50,000 लाइक 50,000 मुझे और थोड़े निकालने पड़ेंगे, हो जाएगा। दोनों का टेस्ट ड्राइव ले लूँ क्या मैं? रुको, लेने से पहले यार सबसे बढ़िया चलते हैं भाई, हाँ टेस्ट ड्राइव, रुको टेस्ट ड्राइव एक बार लेके देखते हैं, क्या पता यार गाड़ी बुरी हुई तो भाई दिक्कत भी हो सकता है, बुरी होगी तो क्यों ही खरीदूंगा। बाइक आ जाओ, KTM इधर है, ये रे भाई कावासाकी का तो नहीं, हाँ चलो पहले ड्यूक नहीं, पहले लैम्बोर्गिनी ट्राई कर, हाँ है लैम्बोर्गिनी रिवॉल्टो। ओके चलो ये रही, और कौन सा भाई ये, ओ येलो कलर बम सेक्सी लग रहा है, ग्रीन भी बम लग रहा है भाई, है रेड भी बहुत प्यारा है, बट वी गोना ट्राई येलो भाई, येलो बहुत सही लग रहा है भाई। रिम ओके, अलॉय व्हील भी अपन चेंज कर सकते हैं, ये देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। आई मीन मेरे को तो कोई एक ही गाड़ी ट्राई करनी है तो मैं लाइक कोई एक लगाता हूं, ये बम लग रहा है, व्हाइट लगाएं क्या, व्हाइट मजा नहीं आ रहा, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ये अलॉय ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे बट नहीं, ब्लैक ज्यादा। टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आ जाओ भाई, देखते हैं लैम्बोर्गिनी को ट्राई करके कैसी ये चलती है। ओके वो ये रही भाई ये कार, एंड मैं इसको देख नहीं सकता, खरीदने के बाद ही हम लोग इसका ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। बाकी ओ अपन देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये साइड से ऐसे दिखती है और इधर से ऐसे दिखती है और ऐसा कॉर्नर से दिखती है, देख लो भाई ऐसे कुछ दिखती है। बाकी इसका साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को, साउंड सुनना न्यूट्रल में आप सुनो, खरीद लूँ क्या मैं इसको, भी खरीद सकता हूँ बट वही है यार,
बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आज की वीडियो में ये वाला सीजन, ठीक है। गाड़ी तो है बम भाई, मजाक से हटके इसको अपन खरीद सकते हैं, क्या बोलते हो यार? मेरे को मन कर रहा है भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मजाक से हटके बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड इतनी फास्टेस्ट कार आई डोंट थिंक सो मेरे पास अभी तक है भी, तो क्यों ना यार इसको खरीदे, या फिर चलो एक बार सुपर ड्यूक ट्राई कर लेंगे। अब भाई कोई बंदा लैम्बोर्गिनी चलाएगा एंड उसके बाद ड्यूक ट्राई करेगा, भाई बंदे को कभी तो फील होनी है इसको। पहले लुक देख लेते हैं, धूप मिलेगा आगे। ओके ये रहा चमक चमक धूप, अब लुक देखते हैं, ऐसी दिखती है भाई, बम लग रही है भाई गाड़ी है सामने से। ये ऐसा व्यू, ये ऐसा देख लो भाई, कंप्लीट व्यू है मेरे पास, ऐसे दिखती है, ठीक है गाड़ी। ये है अपनी ड्यूक, स्लो करके देखना है, देख लेना बाकी यार। चलो सामने का चक्का, ओपे तेरी, ये तो ऐसी उड़ जा रही है भाई, इतनी हल्की गाड़ी, इतनी हल्की। रुको मैं दिखाऊँ क्या साइड से, ये देखो भाई इजी पीजी, और अरे देखो कितना इजी उड़ जा रहा है विदाउट एनी इशूज भाई, विदाउट एनी इशूज। ये देखो भाई क्या हल्की गाड़ी है भाई, ड्यूक तो बहुत हल्की लग रही है, मजाक से हटके भाई बहुत ज्यादा हल्की है भाई, ऐसी उड़ जा रही है भाई। ये स्टंट बाइक है क्या ब्रो? सामने सामने वो है, स्टंट करते हैं। ओह शिट, ज्यादा लग पाओगे मैं तो बाहर ही आ गया भाई, तो बात नहीं। खैर मेरा ड्यूक में उतना मन नहीं कर रहा मजाक से हटके, मुझे आप लोगों को वो एक स्टंट दिखा रहा है, ठीक है। मैं इस गेम में स्टंट करना सीख गया भाई, मजाक से हटके भाई। रुको लेट्स गो। ओके नहीं हुआ स्टंट यार, जिंदा होना भाई। रुको यार मैं आपको स्टंट दिखाऊंगा मजाक से हटके, एक बार और एक ट्राई और करने दोगे, ठीक है। बहुत तगड़ा वाला, बहुत तगड़ा वाला, आप लोग पागल हो जाओगे बोलोगे। रुक जाओ अब देख रहा, नाइट्रो होने दो, अब देखो ध्यान से, ठीक है। 1 2 3 लेट्स गो। H2 आ रही है ना, हाँ चलो ठीक है, लेट्स गो। टॉप गियर में, अबे तेरी यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये देखो भाई कंट्रोल एक नंबर था ना, मतलब अच्छा था गिरी गाइस। इसके लिए 1,00,000 लाइक्स भाई, मैं नहीं आता, इसके लिए 1,00,000 लाइक्स तो बनता है। एक और ट्राई करते हैं। ओके ओके लेट्स गो बे तेरी गया, और कंट्रोल हो गया, शिट, ठीक था, अच्छा था लेकिन यार ठीक है भाई, कावासाकी को उठा के चलाने में ज्यादा मजा आता है। बच गया भाई, उठा हो गया भाई, बहुत हैवी है यार ड्यूक भाई। मैं ड्यूक चला रहा था, इतना आराम से ड्यूक उठ रही थी ना भाई, मतलब मक्खन के माफिक भाई, मजाक से हटके मक्खन जैसी उठ रही थी वो गाड़ी। हद है भाई, क्या खरीदूं आप लोग बताओ यार दोनों कमेंट सेक्शन में। बाकी यार डोनट का एक ड्रैग रेस होने वाला है, मुझे बुला रहे हैं भाई, थोड़ा चंदा भी जमा हो जाएगा। नहीं गाइस, जिक्सर का रेस होने वाला है। ओके जिक्सर का बाइक रेस है, ये देखो मिडनाइट मैजिक भाई, जिक्सर है और आई गेस हायाबुसा, आई थिंक सो हायाबुसा, आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है, हायाबुसा या जिक्सर होगी, कोई स्पोर्ट्स कार है भाई, जाया जाए, चलो आ जाओ जाके देखते हैं। पार्टिसिपेट करने में कौन से पैसे लग रहे हैं, जीत गया तो भले पैसे मिलेगा वो बात अलग है भाई। क्या होगा अगर मैं खरीद लूंगा भाई साहब ड्यूक पे, क्या ही स्टंट मारूंगा मैं, क्या ही। खैर गाइस मैं बहुत खंभे तोड़ते हुए जा रहा हूँ यार, प्लीज मेरे को जज मत करना। ये स्टेयरिंग में भाई थोड़ा सा हिलाने में गाड़ी झुक जाती है, देखो इतना हिला रहा हूँ, बंदा ऐसे हो जा रहा है भाई, देखना ये देखना मेरा हाथ को देखो, इतना में देखो इतना कर रहा हूँ उसी में बंदा वो हो जा रहा है, और ये स्टेयरिंग थोड़ा ढीला हो गया है। ओके तो वही वाला सीन है यार, डोंट जज मी भाई, मैं बेकार चला रहा हूँ बोल के। बारिश होना चालू हो गई है यार, बिन मौसम बरसात, धूप निकल रहा है सामने और बारिश हो रही है भाई।
खैर कोई बात नहीं, बॉस हमको थोड़ा रियल फील लेने के लिए ऐसे चलाते हैं भाई, ऐसे चला रहे हैं भाई, कसम से अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है यार। अगर आप लोग गाइस घर के आसपास रहते भाई, मैं स्वेयर भाई सबको ट्राई करवाता भाई, बहुत लाइक अलग ही एक्सपीरियंस है यार। बट ठीक है, जो भी यार, मैं आपको अपना घर रिवील कर दूँ क्या? घर रिवील कर दूँ क्या? आई डोंट थिंक सो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आप में से कोई रहता होगा। ओके, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा यार, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो आई थिंक आज एक फ्री में भी कार मिलने वाली है शायद से। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे चलाने वाले हैं डुगाटी पेनेगेले आर, जो मेरे पास है ये भाई मेरी गाड़ी दे दो ना, बुगाटी पेनेगेले आर तो मैं ही रखा हूँ। क्या लगता है गाइस, कौन जीतेगा? मेरे अलावा कोई जीत सकता है क्या? लेकिन यार ये रेस जीतना पड़ेगा मुझे। ओके, ओ अबे तेरी BMW S1000 RR, वो पीछे जो ब्लू वाला है, ये वाला बनियान वाला, ये देखो मेरे जो जस्ट यहाँ पे है, ठीक है मेरे सामने ये भाई BMW S1000 नहीं है, ये भी मेरी ड्रीम कार है यार, देखो खरीदनी है भाई, बंदा भगा रहा है ब्रो मजाक से हटके। ओके, ड्रिफ्ट आराम से ए भाई शिट। ओ भाई ये गाड़ी में तो मैं मास्टर हूँ भाई, जिक्सर भी आई है भाई, डरते हैं क्या ब्रो? ओके भाई बेदम भगा रहे हैं भाई लोग, लेकिन यार भाई मेरे को हराओगे तुम लोग? भाई मैं तो यार कल, आज तो कुछ भी हो रहा गाइस, मेरे सेकंड चैनल पे कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं कावासाकी निंजा H2 लेके गया था ड्रैग रेस में, और भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, लोगों की लिटरली फट गई भाई, एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो मेरे आसपास था, ठीक है एक भी बंदा आसपास नहीं था मेरे, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा आगे था मैं, लाइक कितना आराम से चला रहा था, आराम से मेरा मतलब यार 400 की स्पीड में मैं चला रहा था, कोई भी नहीं मेरे आसपास भाई, कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं भाई यार। दोस्त अबे यार बहुत ज़्यादा मोड है भाई, आई थिंक तो मेरे को कीबोर्ड से चलाना चाहिए यार बहुत ज़्यादा अगर मोड रहता ना तो ठीक रहता है। आई डोंट नो भाई, मैं कीबोर्ड से चला रहा हूँ तो कितना अजीब लग रहा है मुझे, और मैं यार पीछे भी हूँ बहुत तगड़े से यार। ओके जी भाई, भगाना है। Let's go, पहला लैप कंप्लीट, मुड़ना। वाओ, क्या ठोका। स्टीयरिंग ही ठीक। देख रहे हो, चीटिंग देख रहे हो, यहीं से मुड़ जा रहा बंदा। ओके। टर्टल भाई, टर्टल बहुत भगा रहा है यार। सामने का उठा के चलाऊंगा भाई। Let's go, पहला लैप कंप्लीट यार, एक और लैप लेना है, अगर ये जीत गया रेस मेरी है भाई। Let's go, देख रहे हो चीटिंग देख रहे हो, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या चीटिंग कर रहे हैं, कहीं से भी मोड़ दे रहे हैं। आए भाई यहाँ, ये देखो यहाँ ऐसे मोड़ रहे हैं ये लोग, जैसे ट्रैक में कुछ है ही नहीं भाई, सामने में दो जाने, ये दोनों बेदम भगा रहे हैं यार, नहीं पार कर दूंगा भाई। Let's go, ये देखो ना साला जमाइला डुकाटी लेके बेदम भगा रहा है, बट कोई बात नहीं, जस्ट मेरे पीछे वो दोनों, आई डोंट थिंक सो मेरे को पकड़ पाएंगे। अब तो नहीं लगता भाई मेरे को कोई हराने वाला है ब्रो, नहीं हरा सकते हैं। एक बंदा है जो थोड़ा चीटिंग कर रहा है, बताए जान मुझ के ना शॉर्टकट रास्ते दे रहा है, लाइक यहाँ ऐसे नहीं काट रहा, ऐसे मैं तो लाइक रास्ते में चला रहा हूँ, बंदा रास्ते में चला ही नहीं रहा भाई, कहीं भी घुसा दे रहा है जीतने के लिए, उसी का डर है मेरे को बस, बाकी तो भाई अपने को कोई हरा सकता है क्या? एड्रेस पापा को कोई हरा सकता है क्या? ओके हाँ मैं लंबा ले लिया, यहीं से काटना था। लेट्स गो भाई, वो देखो वहीं से काटेगा वो बंदा भाई, जस्ट लोग पीछे है भाई, पार्ट स्पीड गिरा मतलब खत्म है वो है। ओके आई थिंक सो मैं जीतने वाला हूँ, आई थिंक सो क्या भाई है अबे तेरी यार। Let's go! डुकाटी पहने के लिए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मेरी बच गई भाई, मेरे को लगा मैं हारा, लेकिन गाड़ी की हालत देखो पूरा स्क्रैच लग गया यार, बट ठीक है, we won the drag, मैं फर्स्ट हूँ, सेकंड आई है डुकाटी जो मेरे से महंगी वाली है, सेकंड आई है BMW S1000 RR, थर्ड आई है वो थोड़ी महंगी वाली डुकाटी, बट ठीक है वी वॉन्ट द ड्रैग, और क्या चाहिए भाई, पैसा बताओ कितने दे रहे हो यार, 9000 एक्सपीरियंस और पैसे 20,000, प्लीज 20,000
16,000 मिले हैं भाई, 16 ओके। बाइक्स के पार्ट्स मिले हैं, बाइक्स के, वो भी कावासाकी के। लेट्स गो, ये सब मॉडिफाई में लगाएंगे, गाड़ी फुल मॉडिफाई करेंगे। कावासाकी अभी मैंने स्टॉक में रखी है भाई, जीरो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद सोचो क्या हालत होने वाला है गाड़ी का। बट खैर खैर, एक चीज मुझे देखना था गाइस, यहाँ पे एक और ये होने वाला है एयरलाइन। ओ भाई, अपन छत लाने वाले हैं गाड़ी भाई, एयर टाइम एडवेंचर। ओके लेट्स गो, रुको लेट मी चेक। ऑलराइट गाइस, यार आई थिंक सो अपने को एक नई बाइक मिलने वाली है, होंडा CB 1000 R नियो स्पोर्ट कैफे। ये मिलने वाली है, फ्री में मिलेगी, क्योंकि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं KTM की रेसेस, ठीक है। एंड मैं बता दूं, KTM की रेस जब खत्म होगी तब खुलेगा एक नया कंपनी का ड्रैग रेस। या हो सकता है वो कावासाकी हो, या डुकाटी हो, या होंडा हो, या CBR हो, कुछ भी हो सकता है। हार्ले डेविडसन भाई, हायाबुसा, व्हाटएवर भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसमें पार्टिसिपेट करके उस सब की गाड़ियों को हराएंगे। लेट्स गो भाई। साइकिल चलाना है क्या भाई? मैं साइकिल तो तोड़ देता हूँ चला करके यार, ठोक दे। बट खैर, पास ही में था भाई। ले भाई सब तोड़ ताड़ के अंदर, लेट्स गो, रेडी फॉर अनदर रेस गाइस। एक और यार, ये मजा आने वाला है, ये आखिरी रेस है। आई मीन बाइक्स की मतलब मेरा खत्म होने वाला है, कह लो सुजुकी RMZ450 ऐसा कुछ नाम था। ऑलराइट गाइस, यार सारी यहाँ पे गाड़ियां रेडी है, एंड सारी की सारी भाई है डर्ट बाइक। एंड भाई मेरे बगल में कावासाकी है, रेड बुल की KTM है। एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरी गाड़ी ज्यादा पावरफुल है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा। ये ट्रैक में शायद से हम लोग बिल्डिंग टू बिल्डिंग ट्रैक करने वाले, बहुत स्टंट होंगे, क्योंकि जब भी ये बाइक मिलती है मुझे अलग ही लेवल का क्रेज वाले स्टंट होते हैं। देख रहा हूं बाइक शुरुआत, ये देखो बिल्डिंग चढ़ना चालू हो गया भाई अभी तो। भाई मतलब चालू है, कह लो यार। ओके अभी तेरी वे में पलटना नहीं, पलटना नहीं, पलटना नहीं, सामने 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 सामने। ओके लेट्स गो भाई, मैं थोड़ा पीछे हो गया यार, गाड़ी पलटने वाली थी भाई। यार ये गाड़ी का सामने का चक्का उठाना बहुत इजी है ना, फट से उठ जाता है, कोई बात नहीं। मैं लास्ट हो गया हूँ भाई वीली के चक्कर में, बताओ, कोई बात नहीं। एक साथ इतने सारों को पीछे कर दिया भाई। लेट्स गो, क्या हाल चाल दोस्त, KTM का बाइक चला रहा है क्या हीरो? मेरे को ओवरटेक है, फर्स्ट हो गया ना भाई। लेट्स गो, नाइस शो। ओके लेट्स गो, वो इजी इजी भाई, पेड़ वेड़ में नहीं चढ़ना हीरो भाई साहब। क्या होने वाला है ये? ओ माय गॉड, जंप, लेट्स गो। अभी तेरी बैक फ्लिप मारना था यार, शिट शिट शिट। एक और राउंड होगा यहाँ पे, एक और बार हम लोग आएंगे भाई। क्या जंप था भाई, इससे इसके अगले राउंड में बैक फ्लिप मारेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे आके, और ये ट्रैक पे तो भाई मैं बाद में यार कावासाकी वगैरह लेके भी आ सकता हूँ भाई, तब ज्यादा मजा आएगा, क्या बोलते हैं गाइस? ओके, एक और जंप आने वाला है, नाइट्रो लेके इस बार कूदेंगे। ओके अगर नाइट्रो रहेगा तो, नाइट्रो तो है, लेट्स गो। बैक फ्लिप एक हो गया, क्या प्यारा बैक फ्लिप हुआ है भाई, मजा आ गया। लेट्स गो, लेकिन यार बैक फ्लिप की वजह से आई थिंक सो स्पीड थोड़ी गिरी है, कोई बात नहीं, कवर करेंगे। मेरे पीछे एक ही बंदा है, मेरे आगे टोटल 6 बंदे हैं भाई। डैम भाई, गाड़ी अजीब ही गाड़ी है यार ये। ओके एक और जंप, लेट्स गो। नाइट्रो यूज कर रहे हैं भाई बंदे, अक्सर देख रहा हूँ मैं, कूदते समय नाइट्रो यूज कर रहे हैं, बाकी समय तो चुपचाप ही चला रहे हैं। ओके सेकंड लैप चालू हो चुका है, चलो भाई पहला जंप, एंड मेरे को कूदाना है यार। लेट्स गो, वीली कर देता हूँ भाई आते साथ ही, यहाँ भी करना है क्या? अरे भाई स्पीड थोड़ी गिरती है यार मेरी से। ओके भाई इस बार आगे निकलना पड़ेगा, क्या कावासाकी, क्या हाल चाल? देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, KTM को देख रहे हो भाई। ए तो साइड में हीरो, ये तीन बंदे हैं, ये सबसे ज़्यादा भगा रहा है। नाइट्रो बचाते हैं क्योंकि यहाँ से कूद रहे हैं, मेरे को पता है। चल मुरझा रे, बैक फ्लिप हो गया, क्या बैक फ्लिप मार रहा हूँ भाई, परफेक्ट। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन ठीक है, लेट्स गो। लेकिन अब रेस जीत रहा है। है तो अच्छे पोजीशन में, फर्स्ट है नहीं सेकंड है अपन, ये बंदा है बस, ओके इसको भी पार कर दिया भाई। ट्रेस को कोई हरा सकता है यार? ट्रेस भैया का तो ट्रेस कुछ नहीं हरा सकते यार। अरे जस्ट पीछे वो बंदा भाई, फुल नाइट्रो में आ रहा है, ये देख रहे हो। यहाँ तो भाई ऐसी हो जाए, लेकिन नहीं, रिवाइंड रोड गलत जंप ले लिया भाई, स्टेयरिंग गलत रख रहा हूँ मैं। हाँ सीधा कूदो भाई, भले स्लो उतरो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लैंड करो भाई।
क्योंकि रेस खत्म होने वाली है। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट भाई, मेरे को जीतना ही है रेस यार। आगे तीन आगे दो बंदे हैं खाली। मैन थर्ड आया भाई, सॉरी गाइस। ठीक है, बट यार आई हैव एन आइडिया, हम लोग यार अगली रेसेस में बैक फ्लिप मार के व्हीली करेंगे भाई, समझ रहे हो? बैक फ्लिप फिर व्हीली, लेट्स गो। लेकिन अपन थर्ड है, वो देखो उधर है थर्ड पोजीशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, चलता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पैसे बताओ भाई कितने दे रहे हो? इस बार बेदम पैसा मिलेगा, बेदम 3,90,000, 18,000 रुपये, 4,00,000 हो चुके, देख रहे हो? बट ठीक है, 4,00,000 का अपन एक बाइक खरीद सकते हैं। और या ओके, 80,000 रुपये और मिलेंगे, 80,000 रुपये और मिलेंगे, लेट्स गो, लेट्स गो। 4,80,000 हो गए भाई, ये ठीक है भाई। और मेरे को एक होंडा की बाइक भी मिलेगी, ये देखो यहाँ पे हो रहा है मीटिंग, ठीक है, ओके। अबे यार मैं यहाँ पे थर्ड आया हूँ भाई, ये मेन रेस में थर्ड आया हूँ, यहाँ मेरे को फर्स्ट आना था। नहीं, ये कौन है ये थर्ड पे तो मैं खड़ा नहीं हूँ भाई, थर्ड पे तो मैं खड़ा नहीं हूँ, नहीं हूँ क्या? हाँ ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, ये मैं हूँ, लग रहा हूँ ना भाई फर्स्ट। ओ भाई मैं फर्स्ट आ गया हूँ, मतलब मैं फर्स्ट हूँ। ये गाइस यार ओवरऑल था KTM के जितने भी हम लोगों ने रेसेस किए, जिसको Red Bull ने स्पॉन्सर किया था गेम के अंदर, ठीक है, मैं एक वीडियो का बात नहीं कर रहा, एंड हम लोग उस चीज में फर्स्ट आए भाई। मैंने 10 रेसेस की एंड 10 के 10 में ऑलमोस्ट ऑल आधे से ज्यादा में फर्स्ट आया, तो ये पूरा लीग टूर्नामेंट हम लोग जीते हैं। इसी खुशी में हमें एक नई बाइक दी जाएगी शायद से, वैसा कुछ सीन होगा, एंड आई थिंक सो वो होगी एक ब्रांड न्यू होंडा, आई थिंक होंडा CBR। ओके, मार्क तो कर दिया मैंने, डिलीवरी लेते हैं जाके, वो कहाँ रहा है वही मिलेगा कहाँ? ओके भाई बहुत ज्यादा दूर है यार, वापस जहाँ से हम लोग आए थे ना उधर ही जाना पड़ेगा, यहाँ मिलेगी मुझे डिलीवरी भाई। लेकिन अपने पास 4,80,000 रुपए हैं यार, देखिए तो इसके अंदर अपन क्या क्या खरीद सकते हैं भाई। Let's go, क्या खरीदूं यार, व्हीकल कैटलॉग खोलते हैं और बजट में देखते हैं क्या क्या है। आ जाओ भाई, ओल्ड नहीं, व्हीकल कैटेगरी नहीं, टाइप क्या खरीदूं मैं? क्वाड, KTM का एक क्वाड बाइक है भाई, इसके बाद मेरा क्वाड खुलेगा, बट कुछ नया देखने का मन है मेरा, प्लेन बाइक काम करते हैं ना भाई। मैं सोच रहा हूँ प्लेन खरीदूं क्या, इस गेम में मुझे प्लेन चलाने का मन तो है लेकिन अभी तक मैं चलाया भी नहीं हूँ यार। बट रुको, एक सेकंड रुको, मैप में पहले देखते हैं ये KTM के बाद कुछ नया खुला है कि नहीं मेरा यार, वो तो खैर यही जाके पता चलेगा भाई। ओ मैं फास्ट ट्रेवल करके यहाँ टेलीपोर्ट हो जाऊंगा क्या? लेट्स गो, हो गया टेलीपोर्ट भाई। कुछ दे रहे हो क्या? दे रहे हो, दे दो यार होंडा दे दो। ओके लेट्स गो भाई, जब भी ये आता है मतलब अपने को एक फ्री में बाइक मिलने वाली है। ये रही ना भाई होंडा CBR है ना भाई, दे भी तो होंडा की रहे भाई, ड्यूक दे देते भाई। मैं ड्यूक, मैं KTM का रेस से चालू किया था ब्रो, ड्यूक देते ज्यादा मजा आता भाई। बट ठीक है, होंडा की बाइक इज नाइस, नो प्रॉब्लम, कोई शिकायत नहीं, एटलीस्ट फ्री में कुछ मिल भी रहा है भाई। दिखा तो ऐसे रहा जैसे 500 बाकी है भाई, लेट्स गो, मिल गई। ये रही ना भाई तुम्हारे बाबू राय बाइक, लेट्स गो भाई, दिखती है ऐसे है। ओके मेरा कुछ नया खुला, ये खुल चुका है, मेन स्टेज खुल चुका है। मेन स्टेज क्या है भाई, व्हाट्स द मेन स्टेज? ओके ये भी खुल, नहीं ये खुला हुआ है, मेन स्टेज क्या है? अबे तेरी ये क्या होने वाला? अच्छा हुनीगन का इवेंट खुला है, मैं बाद में देखूंगा सर, सॉरी सर, हुनीगन का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। और हुनीगन की मस्टैंग, अबे तेरी मस्टैंग मिलेगी क्या हुनीगन की? शेल्बी मस्टैंग, ओबे तेरी भाई मस्टैंग खुलेगी लग रहा है, ये देखो। अबे तेरी 1,00,000 रुपए मिले क्या? मिल गया क्या? मिल गया, ये भी है, मिल गया मेरे को ये भी। और ये ओ माय गॉड मेरे को मिल गए क्या सारी चीज जो मैंने कलेक्ट किया। रुको, और मेरे को आखिरी में मस्टैंग मिलेगा, आई थिंक सो, मेरे को भी बहुत सारे पैसे मिले, आई थिंक सो। मैं अभी बहुत डाउट में हूँ, मेरे पैसे देखो भाई, मैं ड्यूक खरीद रहा था, मैं ड्यूक का शोरूम खरीद लूं सही में। रुको एक सेकंड, मेरे को आंख मलने दो। हाँ क्या खरीदना है मतलब है? रुको यार क्या खरीदे फिर भाई, इतने पैसे का तो भाई मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। ओके और भी बहुत सारी चीजें खुली है। ओके ये खुला हुनीगन का मेन स्टेज और बहुत सारे पैसे मिले, कुछ ज्यादा ही मिले भाई, कुछ ज्यादा ही। मैंने यार लैम्बोर्गिनी का भी खत्म नहीं किया, लैम्बोर्गिनी खत्म करेंगे, ये इसका भी बचा हुआ है राइट, डोनट का भी बचा हुआ है। इसके खाली 2 रेसेस बचे हुए हैं, देन वी विल इजीली गोना बाय ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी भाई, आई मीन अपने को एक लैम्बोर्गिनी भी मुफ्त में मिलने वाली है इसके बाद। बहुत कुछ है यार, मजाक सेट के भाई, सही था यार ये। अबे जापान में भी रिवॉर्ड मिला है मेरे को, ये देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है, ये देखो। अच्छा ये देखो कुछ पैसे मिले, 30,000-40,000 रुपए मिल रहे हैं और यहाँ पे 9,000 रुपए। ओ तेरी भाई मैं तो माला माल होने वाला हूँ, रुक जाओ इसमें भी कुछ मिलने वाला है शायद, पोर्शे, आई डोंट थिंक सो, पोर्शे का मैंने, ओके पोर्शे में भी कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं। चैलेंजेस, ये कौन सा चैलेंज है भाई? अच्छा इसको भी खोलना है मुझे, डोनट। अच्छा डोनट का और रेस खुलेगा क्या भाई? सही है भाई, ये जो बंदा है ना इसके एक से एक रेसेस होते हैं यार। लैम्बोर्गिनी का भी खुलना बचा हुआ है, ये भी मेरा खुला नहीं है, ये खुलेगा तो और रेसेस मिलेंगे। लेट्स गो भाई, बहुत सारी चीजें मिली है यार, बहुत सारी चीजें। पैसे अब और हो गए 7,50,000।
क्या खरीदना है बताओ। अब तो अंबानी भाई अंबानी हूँ मैं, अंबानी मतलब यार अच्छी महंगी गाड़ी खरीद सकता हूँ, 7 लाख बहुत होते हैं ब्रो। अब देखो देखो गाइस, देखो देखो देखो, लेट मी टेल यू समथिंग, लैम्बोर्गिनी की मेरी एक ड्रीम बाइक है, ओके मतलब कार, बाइक तो होती नहीं लैम्बोर्गिनी की, एक ये है रेवेल्टो, ये एक है लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो, ये एक है जो कि 2 मिलियन में आती है एंड मेरे पास बहुत कम है 2 मिलियन से, और मैं ये, लेकिन मैं टच कर सकता हूँ 2 मिलियन। और एक है भाई लैम्बोर्गिनी टेरज़ो, ठीक है। और अबे तेरी लैम्बोर्गिनी वेनेरो ले ली क्या? एक 1.1 मिलियन की है, 1.3 मिलियन की है। अबे यार क्या खरीदूं मैं तो बोलता हूँ टेस्ट ड्राइव लेते हैं, रुक जाओ, रेवेल्टो को तो ले लिए, ये तो लेना नहीं है, टेरज़ो का एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं भाई, ब्लू व्हाइट, व्हाइट बम लग रहा है यार, ट्राई करते हैं भाई, आ जाओ। ओ डैम बॉय लुक एट दैट, रात में उतना लुक नहीं मिल रहा है लेकिन भाई क्या दिख रही है, ऐसा लग रहा है टायर जल रहे हैं ब्रो, क्या ही सेक्सी दिख रही है भाई गाड़ी भाई। इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर देखने का मन है मेरा, अबे यार ऐसा लग रहा है मैं फ्यूचर की, अबे इसमें डी क्या लिखा हुआ है, अच्छा डी ड्राइव है, न्यूट्रल है, रिवर्स है, ड्राइव है, न्यूट्रल, रिवर्स, इलेक्ट्रिक कार है। गाड़ी की साउंड सुनना, रुक जाओ अब साउंड सुनाता हूँ इसकी आपको यार। भाई ये मेरी ड्रीम कार है, आई एम नॉट किडिंग, मैं इसको यार फोर्जा होराइजन में चलाना चाहता था बट इस अनफॉर्चुनेटली फोर्जा होराइजन में ये कार है नहीं, वही वाली बात है। बाकी यार चलो इसको ड्राइव करके देखते हैं, आ जाओ साउंड सुनो आप लोग, गियर तो है नहीं, सीधा भागेगी, देखते हैं कितना जाती है, कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है, ये देखो ऐसा सीधा, ऐसा इधर, ऐसा इधर, ऐसा इधर, भाई ड्रिफ्ट मार रही है, इलेक्ट्रिक कार ड्रिफ्ट मार रही है, सही है भाई। गाड़ी गाड़ी गर्म हो रही है, वो पीछे लाल हो जा रहा है, गर्म हो रहा है कि वो लाइट ही है, लाइट है, लाइट, सॉरी गाड़ी गर्म है, लग रही है भाई गाड़ी, भाई बॉम्ब कार है भाई, मेरे को खरीदने का मन कर रहा है यार, ठीक है यार किसको खरीदूं मैं, अब मैं बहुत ज्यादा डाउट में हूँ यार, लैम्बोर्गिनी में तो मेरा मन आ गया, रुक जाओ अब मेरे को ना लाइक सीरियसली मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, मैं खरीदने वाला था बाइक, ठीक है मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को खरीदने का मन था ड्यूक, तो मेरा ये कहना था कि मैं ड्यूक खरीद लेता हूँ। और अबे तेरी ये कितने की है यार, बुगाटी बॉलिडे, ओ भाई ये थोड़ी ज्यादा महंगी है यार, बुगाटी बॉलिडे, ओके एक टेस्ट ड्राइव तो बनता है यार, क्या पता बुगाटी बॉलिडे ही थोड़ी अच्छी हो, क्या पता मैं इसको खरीद सकूं, बट इसके लिए थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए, अगर कोई गाड़ी 1 मिलियन के आसपास है ना तो मैं इतना पैसा नहीं दूंगी, मजाक नहीं करूंगा, बहुत सही गाड़ी है, बहुत सही है, बट फिलहाल औकात बाहर है भाई, इसको टेस्ट ड्राइव करके कोई मतलब नहीं है, तो कभी जब करेंगे जब जरूरत होगी भाई, अभी अभी पैसे भी नहीं है, टेस्ट ड्राइव करके कोई मतलब भी नहीं है, फील लेने के बाद यू नो गाइस यार गाड़ी खरीदने का मन करता है भाई मेरा, पैसे हो या ना हो यार। बाय द वे भाई यही खरीदते हैं, टेरज़ो और वेनेनो भी मैं खरीद सकता हूँ, देखो टेरज़ो 2 मिलियन की है लेकिन यार भागती नहीं है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद आराम से भागेगी भाई, उरस भी खरीद सकते हैं, उरस तो अभी खरीद लो भाई बैठे बैठे, क्या खरीदना चाहिए यार मुझे, ओ एक और कार थी लैम्बोर्गिनी की, रुको ये देखो ये अपने बजट में गैलाडो, गैलाडो में खरीद सकता हूँ, बजट की है 8 लाख, इसेंजा भी बजट में, ओ इगोइस्टा, इगोइस्टा इसको भी मैं खरीद सकता हूँ, कॉन्सेप्चुअल कार है, एक बार ट्राई करते हैं, अबे तेरी इसको सीधा बाय है भाई, इसको टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकते, इसको सीधा खरीदना है भाई, ये थोड़ी ज्यादा एक्सक्लूसिव कार है, इसके लिए सीधा औकात लेके आओ और खरीदो भाई, टेस्ट ड्राइव वाला सीन ही नहीं है भाई, ये भी मैं खरीद सकता हूँ एवेंटाडोर, इसके लिए थोड़े से पैसे और चाहिए, एक बार ट्राई करके देखते हैं, आ जाओ भाई, टेस्ट ड्राइव लेने में पैसे कौन से लगते हैं भाई, लेने से पहले इंसान सोचता है ना 4 बार, मैं भी वही कर रहा हूँ यार, ये देखो क्योंकि इतने पैसे मिले हैं भाई, ऐसी दिखती है एवेंटाडोर, ये बम लग रही है, आई एम नॉट किडिंग, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे एवेंटाडोर तो मैं डेफिनेटली बाय कर लूंगा, एवेंटाडोर मुझे बहुत पसंद है, इवन जब मैं फोर्ज़ा होराइज़न भी खेलता हूँ ना आप लोग देखते हो कि मैं एवेंटाडोर को बहुत चलाता हूँ यार, एवेंटाडोर इज अ लव भी है प्लस भाई मेरे को कंट्रोल एवेंटाडोर को बहुत सही लगता है यार, ठीक है देख रहे हो नाइट्रो भी देख रहे हो, क्या बोलते हो यार क्या खरीदना चाहिए, एवेंटाडोर या फिर कुछ और, साउंड तो आप लोग सुन ही रहे होंगे गाड़ी का, और गियर चेंज करो भाई ढंग से आवाज आता है, देखना अब सुनना गियर चेंज करूंगा मैं, अब करूंगा ये देखो
खरीद सकते हैं भाई, कॉर्बेट में डिस्प्ले होगा तो बात नहीं। गाड़ी फेल दे रहा हूँ मैं, हालांकि गेम है, मतलब चला रियल लाइफ में लंबर के लिए टेस्ट ड्राइव दे रहा हूँ और ऐसे चला रहा हूँ भाई। अब तो भाई खरीदना ही पड़ जाएगा, खरीदना क्या भाई, छोड़ना पड़ जाएगा भाई, वहीं पे गाड़ी को छोड़ के भागो। अच्छा गाड़ी की तो बैंड बजा दिया गाइस मैंने, कौन से सनफ्लावर खेत में लेके आ गया, बट गाड़ी लग बम रही है भाई, क्या बोलते हो यार। गाइस गाइस अब मैं कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मजाक से हटके आप लोग ही मुझे बताओ कि क्या मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। भाई मैं खरीदू क्या, मेरे को एवेंटाडोर का ज्यादा मन है यार, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत डाउट में हूं। एवेंटाडोर मेरा फेवरेट है, ये ब्लू कलर तो और बम लग रहा है भाई, रेड तो हम लोग ट्राई किया ना, ये रेड भी बहुत सही है, येलो तो नहीं लूंगा मैं, ब्लैक भी ले सकते हैं क्योंकि ब्लैक भी बहुत सेक्सी लगता है, रेड भी ठीक है और बजट में भी है। देखो ये गाड़ी बजट में भी है 794 भाई, मेरे पास 750,000 है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा आराम से मिल जाएगी, एक ड्रैग रेस करके आऊंगा आराम से खरीद लूंगा इसे। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, ये कौन सा सस्ता लंबरगिनी है भाई मेरा, ये मेरे ही लंबरगिनी वैसे, बट नहीं लाओ भाई कुछ महंगी गाड़ी लेके। होंडा, अच्छा मुझे आज एक होंडा मिली ना, होंडा ट्राई करेगा, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है। अबे तेरी ये तो अंकल वाला फील आ रहा है मेरे को, चला चला। अबे ये भाई ये भाई ये भाई नीचे नदी आराम से, हाँ ठीक है, अच्छा है, हैवी लुक है, हैवी फील है गाड़ी का, छोटी लग रही है भाई, मैं कावासाकी चला दिया हूँ बोल के भाई, बहुत छोटी लग रही है यार, उठाना है क्या चक्का भाई, बहुत हैवी है गाड़ी यार, बहुत उठाना, चक्का भी उठाना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा ही कंफ्यूजन में कि मैं क्या खरीदूं भाई, आप लोगों के हिसाब से क्या खरीदना चाहिए मुझे। देखो बजट फ्रेंडली वगैरह मैंने सब बताया, ओके। खैर गाइस यार घूमते घूमते मैं अपने दोस्त के घर के पास आ चुका हूँ, यहाँ पे बस उग रही है भाई, उसको लेने आएंगे उसके पेरेंट्स। चलो खैर यहाँ मेरा दोस्त रहता है, मैं जा रहा हूँ उसके घर, उससे सलाह मशक्कत ले रहे भाई कि कौन सी गाड़ी मुझे खरीदनी चाहिए। बाकी गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं यार, मैं अभी भी बहुत डाउट में हूँ यार, कौन सी गाड़ी ऐसी हो जो भाई मेरे बजट में भी फिट हो। मैं ड्यूक खरीदने की सोच रहा था लेकिन भाई 3 लाख रुपए ड्यूक पे क्यों खर्च करूं अगर मैं उन पैसों से ले सकता हूं एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। तो यार ये थोड़ा समझ रहे हो, कार लवर समझ रहे होंगे, बाइक लवर भी समझ रहे होंगे क्योंकि लैम्बोर्गिनी और ड्यूक में बहुत बड़ा अंतर है, ड्यूक कहां लैम्बोर्गिनी कहां, तो मैं ड्यूक पे खर्चा क्यों करूं अगर मैं लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूं, ये मेरा डिसीजन है। अगर आप बाइक लवर हो, बाइक चाहते हो तो कमेंट में बताओ मैं क्या खरीदूं, जो बोलोगे वो मैं खरीदूंगा, ठीक है, तो कमेंट में बता देना। बाकी गाइस यार मैं जा रहा अपने दोस्त क्या भाई इसके यहां पूछता हूं कौन सी गाड़ी बेस्ट है क्योंकि इसके घर के बाहर कुछ पड़ी हुई है टेस्ला। चलो ठीक है, बाकी यार होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी यार कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए भाई, अभी भी मैं बहुत डाउट में हूं यार। अगर मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लिया तो ड्यूक के फैन बोलेंगे भाई ड्यूक खरीदना था, अगर मैं ड्यूक खरीदा तो ड्यूक के लैम्बोर्गिनी के फैन बोलेंगे ड्यूक क्यों खरीदे यार। तो गाइस आराम से सोचो बताओ, या कुछ कार, प्लेन, बस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो बोलोगे वो खरीदूंगा मैं, आप लोगों के ऊपर है, कमेंट में बताओ। अगला एपिसोड में खरीदेंगे कुछ नई गाड़ियां, तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। बाकी क्रू मोटर फेस्ट का ये रहा प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हो बाकी सारे एपिसोड्स हैं, बाकी दो और वीडियो यहां पे मैं दे रहा हूं, जाके देखो इन दोनों में से जो चाहे वो देख सकते हो, ये अच्छा लगा तो दोनों में से कोई भी देखो 100% मजा आने वाला। मिलते हैं अगले एपिसोड पे, टिल देन बाय बाय, टाटा सायोनारा पीस। बाकी आप यार H2R की डिलीवरी देख लो, यहाँ पे मिल जाएगी या यहाँ पे, बाय।